बिहार में शराब पीने वालों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये है कि पूर्व सांसद और जाप के संरक्षक पप्पू यादव का साफ कहना है कि अगर उनकी सरकार आती है तो शराबबंदी कानून को वो ख़त्म करेंगे और होटलों में शराब को देने की परमिशन देंगे। हालांकि इसके लिए बिहार के लोगों को अधिक पैसे चुकाने पड़ेंगे, लेकिन अगर पप्पू यादव की सरकार आती है और अगर शराबबंदी खत्म हो जाती है तो जो शराब के शौकीन हैं उनके लिए तो कहीं ना कहीं से अच्छी खबर है। पूर्व सांसद ने साफ कहा कि 700% टैक्स लगाकर वो शराब होटलों में बेचने की परमिशन देंगे, जिससे कि जिनके पास अधिक पैसे हो वो शराब। गड़ा इतने में हम जिस दिन आएंगे दारू को 700% टैक्स बढ़ा देंगे और बड़े होटलों में उसको कहेंगे कि आप बेचो, जिसको 700 टैक्स पर 200 और 700 टैक्स पर पीना होगा वो पिए, उस पैसे से बिहार का डेवलपमेंट करें। गरीब कैसे पिएगा अगर गरीब को पीने नहीं, गरीब को पीने, गरीब को जब पैसे नहीं है तो गरीब कैसे पिएगा? आप 100 रुपये का चीज 600 रुपये में बेचिएगा और सब कुछ प्राइवेट कर दीजिएगा, दलित और गरीब के बच्चों को आप एक विशेष राज पर चुप क्यों है? राहुल गांधी पर, राहुल गांधी शराबबंदी हटा दीजिएगा आपकी भैया। 700% शराब पर करेंगे हर परिस्थिति में, 200 से 700% बढ़ेगा और उस पैसे से डेवलपमेंट करेंगे। गरीब के जेब में पैसा नहीं है तो 700% शराब कहाँ से पिएगा? बड़े होटल पूर्ण शराबबंदी हटा देंगे भैया। पूर्ण शराबबंदी है क्या? 100 का 600 पूरा का पूरा सप्लाई हो रहा है, एक एक घर में जा रहा है, ये शराबबंदी है? ये तो नाशबंदी है पप्पू जी। अंतिम सवाल, राहुल गांधी गुजरात में शराबबंदी है क्या पप्पू जी?